उत्तराखंड से बड़ी खबर है, आपको बता दें उत्तरकाशी में 24 घंटे के बाद ही टनल में फंसे 40 मजदूर, 24 घंटे बाद भी टनल में ये मजदूर फंसे हुए हैं। आपको बता दें निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में रविवार सुबह 4 बजे हादसा हुआ था। 50 मीटर हिस्सा टूटकर गिरा, ड्रिलिंग मशीनों से इस समय पत्थर को काटे जा रहा है। आपको बता दें सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का काम जारी है, पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है ये टनल। मजदूर बिहार, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ब्रिगेड पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। टनल के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। टनल के 200 मीटर के बाद प्लास्टर ना होने के कारण ये हादसा हुआ था। आज शाम तक टनल से सभी मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, ये खबरें सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल 24 घंटे बड़ा समय बीत चुका है, 40 मजदूर अभी अंदर ही हैं और फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें इस समय राहत बचाव में लगी हुई है। टनल के 200 मीटर के बाद प्लास्टर नहीं होने के चलते ये हादसा हुआ। आज शाम तक टनल से सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से है, जहां पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में ये हादसा हुआ है। आज शाम तक सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, ये खबरें आ रही हैं। तो निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। आज शाम तक सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी में 24 घंटे बाद भी अंदर अभी तक मजदूर फंसे हुए हैं। फिलहाल पाइपलाइन के जरिए खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में लगी हुई है और कहा यही जा रहा है, खबरें यही आ रही है कि अब शाम तक सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा।